ये देखिए, मैंने पहले वीडियो में आपको नेक बनाना बताया था, उरे पट्टी से कोना बनाना। अब मैंने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, ये देखिए बिल्कुल सीधी पट्टी। इससे इस चौरस नेक को फिनिश करेंगे। किस प्रकार से करेंगे ये देखिए, सबसे पहले पट्टी को लगाओ बिल्कुल इस तरीके से, और सिलाई जो है वो ये फुट है, इसको हम फुट बोलते हैं। इसके साथ साथ जो है हम मार्जिन रखेंगे इस तरीके से, देखो बिल्कुल फुट के साथ साथ से आपको लेना है इस प्रकार से। अब ये देखो ध्यान से, ये मेरा कोना है, ये मेरा कोना है। अब इस कोने पर आपको क्या करना है, ये देखो इस प्रकार से मोड़ो, इस तरह से, इस प्रकार से देखो, ये कोना है और इस कपड़े को आपको इस प्रकार मोड़ना है ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको एक प्लीट सी बनानी है ऐसे, ये देखिए इस प्रकार ऐसे, ये कोना है। इस कोने पर आपको इस तरह से आना है, वही एक पैर की सिलाई देते हुए, और यहाँ पर आ करके आपको इस तरह से घुमाने हैं, इस प्रकार से इसको घुमाएंगे ऐसे, और वही एक पैर की सिलाई लगाते हुए बिल्कुल दोनों को बिल्कुल मिला करके, पट्टी को भी और कपड़े को भी। ये मैंने सीधी साइड ली है, पट्टी की भी सीधी साइड है और कपड़े की भी। अब ये देखो दूसरा कोना जो है हमारा ये आएगा, ये देखिए ये हमारा कोना है। अब इस कोने पर भी हमें क्या करना है कि कपड़े को इस तरह से लेना है, ये देखो इस तरह से घुमाना है इस तरीके से, बिल्कुल कोने पर आकर के ये अपने आप ऐसे सेट हो जाना है ऐसे, बिल्कुल ऐसे पकड़ोगे और इसको ऐसे करके ऐसे, और इसको कोना इस प्रकार हम बना देंगे। ये देखिए बिल्कुल कोना बन जाएगा इस प्रकार से, ये देखिए बिल्कुल कोना आ जाएगा ये इस तरह से। और इसको चाहे आप ऐसे भी रख सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो। अब ये इस कोने पर देखो, ये कोना है और इसको इस तरह से घुमाओगे, सुई की नोक कपड़े के अंदर ही रहेगी, और इस तरह से लगाओगे और कपड़ा और पट्टी दोनों बराबर बराबर चलेंगे, मिला करके आप इसको इस प्रकार से लगाओगे, एक पैर का दबाव देते हुए इस तरीके से। अब क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम काट देंगे। अब ये देखिए ये पट्टी लगने के बाद इस तरीके से दिखाई देगी, ये प्लीट्स है, ये इसका कोना है, इसका भी ये कोना है। अब इस कोने से इस कोने को ऐसे कट लगा देंगे, देखो सिलाई को बचाते हुए हमने ये कट लगाना है, ये कट हमने लगा दिया। अब क्या करना है, अब देखिए इसको इस तरीके से पकड़ेंगे इस प्रकार से ऐसे पकड़ते हुए, और इसको इस प्रकार मोड़ेंगे, ये देखिए इस प्रकार से मोड़ने के बाद इसी इस पट्टी के किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये मैंने दूसरे कलर का धागा लिया है ताकि आप आराम से समझ सको, ये देखिए इस प्रकार से लेंगे, और ये देखिए इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखो इस प्रकार से पकड़ेंगे ये कपड़ा सारा अंदर की साइड इस तरह से, और ये किनारे की सिलाई लगाएंगे अब ये देखिए इस कपड़े को हम ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, हम इस कपड़े को इस तरह से घुमाएंगे, ये देखो इस तरह से घुमा करके, और इस प्रकार इस कपड़े को इस तरह मोड़ेंगे, देखो बिल्कुल बहुत अच्छे से ये कोना आपका बन जाएगा, ये देखिए
और इस पी पट्टी पर किनारे की सिलाई लगाते हुए सुई को अंदर लेते हुए कपड़े को इस तरह से घुमा देंगे। अब इसको इसी प्रकार से ये देखिए कपड़ा सारा अंदर की तरफ होना चाहिए और इस प्रकार सीधा कपड़ा लेते हुए पट्टी को मोड़ते हुए किनारे की सिलाई लगा देंगे। अब ये देखना, अब ऐसे ही ये ऐसे नहीं करना है, आप इसको भी आप ऐसे मोड़ करके ये देखो बिल्कुल इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे और इस कोने को हम ऐसे पकड़ लेंगे। ये बिल्कुल इस प्रकार से बहुत ही सुंदर कोना बनेगा ऐसे। ऐसे घुमाते हुए और इसको फिर हम ऐसे घुमा लेंगे, घुमाते हुए और इस कपड़े को हम इस तरह से पकड़ लेंगे। ये हमारा ये कोना हो जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार बिल्कुल एक जैसा मोड़ेंगे। ये देखिए काट देंगे एक्स्ट्रा, बनने के बाद ये कुछ इस तरह से देखो ये कोना इस तरह से निकल जाएगा, इस तरह से नजर आएगा। अब इसको क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये देखो कहीं कहीं जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको इस प्रकार से काट देंगे। पट्टी को काटेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे वाला कपड़ा भी काट दें, इसलिए सावधानी से इसकी कटिंग कर देंगे। और अब इस पर आप प्रेस कर लें, ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। इस प्रकार से देखो प्रेस करके और इस पर जो है आप तुरपाई कर ले। ये देखिए ये आपका जो है नेक बहुत ही सुंदर तरीके से ये देखिए फिनिश हो गया है। अब मैं इस पर कच्चा कर देती हूँ, आप लोग जो है इसको प्रेस मार कर लगा करके अच्छे से और फिर इसको सेट कर लेना। मैं इस पर प्रेस भी करके दिखा दूंगी आपको अभी, ये इस तरीके से। अब इसको आप कच्चा कर ले, आप लोग चाहे हाथ से कच्चा कर ले, प्रेस करने के बाद आप इस पर हाथ से कच्चा कर ले। ये देखिए सुंदर कोना बन जाएगा। ये देखिए अब मैंने ये चारों तरफ से कच्चा कर दिया है, ये कच्चा करने के बाद ये इस तरह से आएगा। अब हम इसको सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद आप देखिए कितना सुंदर गला जो है मैंने सीधी पट्टी के द्वारा फिनिश किया है। ये फेसिंग पट्टी है, फेसिंग बोलते हैं इसको। और ये इधर ये मैंने पहले बनाया था, इसमें मैंने उरेब पट्टी लगाई थी और इसमें मैंने स्ट्रेट पट्टी लगाई, सीधी पट्टी। थैंक यू, धन्यवाद।